जी हाँ, तो ये है सेक्टर 19। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं क्या थोड़ी सी बरसात में, आज 31 में है 2021, और थोड़ी सी बरसात में ये हाल है। यहाँ पे ड्रेनेज की भी हाल खराब है, तो आप देख सकते हैं यहाँ के रहवासी खड़े हैं शीरा कमला सनम जी को बुला के। प्लॉट क्या है ये? 157 है। ओके, तो क्या समस्या क्या है आप लोगों की? ड्रेनेज का पूरा पानी और ये सब थोड़ा जोर से बोलेंगे सर, पानी पूरा आके इधर पूरा फ्लो भर जाता है, बारिश में तो इधर कमर तक पानी आता है। ये कितने साल से समस्या है? 2 या 3 साल से। मैं यहाँ पर रहती हूँ। 3 साल से तो बहुत हो रहा है, इसके पहले मैं 17 से है, लेकिन उसमें 2 साल उतना वो नहीं रहता। अभी 3 साल से इतना हो रहा है ना, 3 साल से इतना, 5 साल से बहुत प्रॉब्लम। मैं 5 साल से सर ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। बारिश के टाइम पे पानी कमर तक रहता है, इधर गाड़ी भी अगर रखेंगे तो ये हो जाती है, और यहाँ से वही पानी है जो यहाँ पे बाहर गटर का पानी है उसमें से साफ आते हैं। ये तो अभी तो थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी बारिश नहीं, बारिश नहीं भी रहेगा, गर्मी के टाइम पे भी आपको सेम सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि ड्रेनेज का पानी जो है आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी गंदगी है, इसके वजह से बीमारियाँ भी फैल रही है, सब बीमार पड़ रहे हैं जी। इतना ड्रेनेज, तो ये गंदगी है यहाँ पे जो बताई जा रही है। और इस तरफ ये देखिए आप, ये सबसे बड़ी बात है, ये बीमारी की जड़ है, और इस पे सिडको को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लोग हैं जो सिडको ऑफिस गए हैं, बार बार लेटर लिखा है, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। सिडको ऑफिस में आए थे, बार बार आए थे, और वादा भी किया था कि करेंगे, पर ढाके से मुआयना करके चले गए लोग, कुछ किए नहीं, कुछ किए नहीं, सिर्फ वादा किया, बस वादा करके चले गए। अभी शीतल है, इनके भरोसे भी हम लोग चीजें करवाना चाहते हैं। अच्छा, अभी आगे बढ़कर श्री जी इनका कहना है कि आपके भरोसे पे सब चीज करवाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मेरा दोस्त इधर रहता है, मुझे फोन किया, कल आया था, मुझे मिलने आया था, ऐसा प्रॉब्लम है। एक्चुअली लास्ट हमारा बारिश का टाइम में जो भी लोग है उलवा नोड में, ये साइड में लोग कम आता है, क्योंकि जो लोग इधर रहते हैं वो लोग ज्यादा आता है, क्योंकि इधर कोई शॉप नहीं है ज्यादा। सो मेन रोड में नहीं है, थोड़ा अंदर है। सो उलवा नोड में मेन रोड में लास्ट टाइम हमारा 4 फीट 5 फीट पानी आया, इधर क्या है 10 फीट पानी आया लास्ट ईयर। सो ये साल में अभी पानी, अभी बारिश आया नहीं, आज का हालत देखो इतना पानी, अभी सीवियर लाइन ओवरफ्लो हो रहा है, इधर सीवियर लाइन ओवरफ्लो हो रहा है, लोग इतना लोग इधर रहता है, इतना कम से कम 200 फैमिली रहता है उधर, बच्चा है, सीनियर सिटीजन है, इन लोग को इधर मॉस्किटोस आता है इधर। आज का हालत देखो, दुनिया में हम पैंडेमिक में है, इधर इतना वायरस पैदा हो जाएगा, इतना इन्फेक्टेड ये मच्छर हो गए सब हो जाए, कौन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? स्नेक्स लास्ट ईयर मेरे यही दोस्त लास्ट ईयर मुझे फोन किया था, इधर सांप आया, हम लोग आया था कोबरा। सो इन लोग को क्या उलवा नोड का रहवासी नहीं है क्या? क्या इन लोग क्या मेंटेनेंस पैसा भरा नहीं है क्या? ये सब किया है, ये भी उलवा नोड का रहवासी है, ये नोड का डेवलपमेंट का पार्ट है, बट इधर डेवलपमेंट किधर है? सो हमने उलवा नोड का इधर का इंचार्ज, सीबीआर का इंचार्ज मिस्टर धनंजय सिडको का बुलाया, धनंजय आया, हमको गारंटी दिया कल 11 बजे आएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, क्योंकि उसका भी लेबर कम है, मैंने उसको गारंटी है, लेबर भी दूंगा। तो हमने हमारा नेता महेंद्र गैरा साहब को फोन किया, साहब ने भी सिडको में इन्फॉर्म किया है, तो सो हम सोच रहे हैं कल ये इसका काम चालू हो जाएगा, ये सबका ये रहवासियों का तकलीफ दूर हो जाएगा जी। तो ये सब रहवासी हैं जी। हाँ, आप यहाँ पे आप भी हैं, तो आपका क्या कहना है? एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उलवा येणार आहे दिवसामध्ये एक मोठी सिटी होणार आहे, एक उगवत शहर म्हणून या उलवा शहराला नाव दिलं जाणार आहे, आणि विशेष म्हणजे या उलवा शहर मध्ये सगळे मोठे मोठे इंडस्ट्रीज इथे प्रस्थापित होत असताना इथे कमीत कमी 400 ते 500 रहिवासी आहेत। आपण बघत आहोत, मला वाटलं आपण आपले दाखवा पण इथे सगळे बिल्डिंग्स वगैरे, इथं मेन मस्जिद पण आहे, इथं जास्त वर्दळ पण आहे या ठिकाणी, लहान मुलांचे असो, स्त्रियांचे असो की पुरुषांचे असो, ज्या कोरोनाने अख्ख्या जगाला होरपळून टाकलेलं आहे, त्या कोरोनाच्या काळामध्ये जर अस्वच्छतेचं इथं जर घर असेल तर मला वाटत नाही की आपण लवकर रिकवर होऊन आणि कोरोनावर लवकर मात करू, कारण की इथे मॉस्किटो आहेत, इथे बारीक चिलटं पण आहेत, इथे गंदगी वास पण येतो। पण कोरोनाच्या काळामध्ये अशी अस्वच्छता असेल तर प्रशासन झोपी गेलेलं आहे का?
प्रशासन झोपी गेलेलं आहे का? मी सगळं उलव्याच्या रहिवाशाच्या विषयी बोलते की आणि त्यांच्याकडून बोलते की त्यांचं असं मत आहे की त्यांना निदानिस्तार रस्ता तरी जो आहे तो व्यवस्थित द्या. आपली पहिले प्रायोरिटी काय असते की रस्ता व्यवस्थित द्या, दिवा द्या, पाणी वेळेवर द्या. जर तुम्ही प्रशासन तेच जर करत असेल तर मला वाटत नाही की तुम्ही प्रशासनाच्या लायकीचे असू शकतात. म्हणून सॉरी, मी बेधडक बोलणारी मुलगी आहे. तेव्हा प्रशासन या गोष्टीकडे लक्ष द्यावे आणि उल्वाकरांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याच्यावर जास्त फोकस देऊन त्यांच्या समस्या दूर कराव्या. बस बाकी काही नाही. जी हाँ दोस्तों, तो अभी आपने चिराग कमला सनन को सुना और बाकी के लोगों को सुना जो ये सेक्टर 19 के लोग जो सफ़र कर रहे हैं. मैंने आपको फंगस भी दिखाई है, मैंने आपको ये सब गटर का पानी, सीवरेज का पानी और ये सारी तकलीफें जो हैं इन इन रहवासियों को है. लेकिन सिडको है कि मूक बनती है, ऐसे दिखाती है सिडको जैसे उसे कुछ पता ही नहीं. तो आप देखते हैं कि चिराग कमला सनन का जो स्ट्राइकर है वो कितना अच्छा चलता है कैरम बोर्ड पे, सिडको के कैरम बोर्ड पे. जी हाँ.